सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आंखें हमारी रोशनी प्रदान करती है, लेकिन इसमें क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है दुनिया उस पर हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान को हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखो। मेहनत की नींव इतनी मजबूत रखो कि सफलता की ईमान हिल ना पाए। आज का पंचांग 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:50 से 11:00 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। तुला राशि 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार, नए रचनात्मक विचार अभी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। संगीत फैशन या कला के लिए अपनी जुनून को बनाए रखना इस समय अच्छा रहेगा। मनोरंजक गतिविधियों का मजा ले क्योंकि इस समय प्यार हवाओं में है। रोमांटिक पलों के लिए समय निकालें। अच्छा आपको रोमांटिक संबंध जीवन भर के बंधन में परिवर्तित हो सकता है, जिससे आपके जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। पेशेवर रूप से आप कुछ अलग कर रही हैं, इसके कारण आपको नए अनुबंध प्राप्त होंगे। भाग्य हर व्यक्ति के दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है, आपको बस इसे खोलने और इसका स्वागत करने की जरूरत है। कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप अपनी नौकरी या करियर में कोई बदलाव लाने या कोई नया संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज से अच्छा कोई भी दिन नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें कोई जोखिम लगता भी है तो भी एक मौका जरूर लें और सब कुछ जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावना है। समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाना जरूरी है। पठन पाठन में भी उचित समय व्यतीत होगा। काम करते समय नियम को नजरअंदाज ना करें। लोगों के साथ बातचीत करते समय उनकी निजी जिंदगी में आपके सद तक दखल अंदाजी दे रहे हैं, इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता होगी। अन्य लोगों की सहायता करने की आपकी कोशिश रहेगी। लोगों की जरूरत को समझकर ही मदद करें। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को यश प्राप्त हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके ही रिलेशनशिप से जुड़े निर्णय लें। सिर में भारीपन भी रहेगा। आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम भी हो सकता है। विश्राम और मनोरंजन के कार्यकलापों में समय बीतेगा। बच्चों की सफलता से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। आलस के कारण काम अधूरे रह सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा और दक्षता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर पैसा न लेने पर गलती होने की संभावना है। व्यापार में आज कोई नया निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। आप खुद को ऊर्जावान अनुभव करेंगे दूसरों से अधिक। अपने निर्णय को प्राथमिकता दें, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि विरासत में मिली संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का यही सही समय है। आपका गुस्सा स्वभाव काम में बाधा डाल सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें। भाइयों से अनबन हो सकती है। आज व्यवसाय में कुछ नया करने का समय नहीं है। सावधानियां, किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान निकालें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। आर्थिक मामलों में बजट का खास ध्यान रखें, अन्यथा उधार लेने की नौबत आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे में उन्हें अनदेखा ना करें। ऐसे में अपने साथी को अनदेखा ना करें क्योंकि वो आपकी शक्ति का आधार है। गायन फैशन या कला में आपकी रुचि किसी को भी आपके लिए पागल बना देगी।
आपकी बातचीत का कौशल आपके प्यार को गहरा कर देगा। सितारों के अनुसार आज आपका लंबा रोमांटिक रिश्ता जीवन भर के संबंध में परिवर्तित हो सकता है। बदलाव बहुत जरूरी है और यह रिश्ता आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा। आज हवाओं में रोमांस है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। बस अपने प्रिय से सोच समझ कर वार्तालाप करें। आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा। आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर लें, क्योंकि ये साझा है। जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि ये प्यार आपको अपनी मेहनत और अथक प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की बू आ रही है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकती हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित फायदा लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। आज आप अधिकारी मामलों या भाई बहन की परेशानियों को लेकर तनाव में आ सकते हैं। मौजूदा आर्थिक माहौल और अन्य परिस्थितियों में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। कीमती सामान्य धन को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि भविष्य में अतिरिक्त आय की संभावना है। आज एक रोमांटिक संबंध आपके लिए जीवन भर के रिश्ते में परिवर्तित हो सकता है। जिन बदलावों को आप बदल नहीं सकते, उन्हें नियंत्रित करें और आगे बढ़ें। नए संपर्क भी आपके द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। परिश्रमी लोगों को केवल अवसर लेने के लिए तैयार ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौकों को खुद बनाना चाहिए। व्यवसाय में नया कार्य शुरू करने की योजना सफल रहेगी। आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों और कार्यकलापों को नजरअंदाज न करें। युवा लोग लापरवाही की वजह से कोई उपलब्धि खो सकते हैं। आज रचनात्मक कार्यों में दिन व्यतीत होगा। घर के नवीनीकरण और साज सज्जा के काम की रूपरेखा तैयार होगी। संतान के करियर को लेकर शुभ समाचार मिलने से आपको प्रसन्नता मिल सकती है। गलत कार्यों में समय व्यतीत करने से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकती हैं। आपके स्वभाव में गुस्सा रिश्तों को खराब कर सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। पेट खराब हो सकती है, ध्यान रखें। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में भी रहेंगे। अपने साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद को उनके बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें। आज का उपाय, पीपल के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।